पूर्वांचल के बाहुबली नेता रमाकांत यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इस मौके पर समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उन्हें दिलाई गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर उनके तमाम समर्थक भी मौजूद रहे। पूर्वांचल के दिग्गज नेता रमाकांत यादव की समाजवादी पार्टी में घर वापसी हो गई है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में रमाकांत अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। रमाकांत यादव के साथ फूलन देवी की बहन रुकमण निषाद समेत कई बसपा नेता भी अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि रमाकांत यादव के आने से पार्टी को मजबूती मिली है और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं न कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि रमाकांत यादव जी के साथ हमें कई बार काम करने का मौका मिला है, जब मैं पहली बार लोकसभा में सांसद चुना गया था उस समय लोकसभा में आप थे, आजमगढ़ में जब कभी भी गए हम लोग, आजमगढ़ में आपके बड़ी संख्या में सहयोगी साथी हैं, जो बीच में दूरियां बनी लेकिन आने वाले समय में कोई दूरी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आज हम एक साथ बैठे हैं, आने वाले समय में एक साथ रहकर के हम लोग काम करेंगे। रमाकांत यादव सपा से 1996 में पहली बार सांसद चुने गए, 1999 में भी सपा से सांसद रहे, 2004 में बसपा से सांसद चुने गए और 2009 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव से शिकस्त मिली। आज अपने घर में, अपने परिवार में आने के बाद अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, आज मैं देख रहा हूं जो देश के हालात हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर एक आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। और 2019 में भदोही लोकसभा सीट से संसदीय चुनाव लड़ा और हार गए। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी द्वारा भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ नेहरुआ को चुनावी मैदान में उतारने के बाद रमाकांत यादव कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि एसपी में शामिल होने की खबर के बीच 3 अक्टूबर को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।